दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है आर्ट एंड कला में। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा घटपल्लव, ये घटपल्लव है क्या और इसका क्या यूज़ हुआ है और चित्रकला में इसका क्या महत्व है और आर्टिस्ट को इसको जानना ज़रूरी है, तो इसलिए जानिए और इस वीडियो को पूरा देखिए। आइए देखते हैं घटपल्लव क्या है। भारतीय कला का महत्वपूर्ण आलंकारिक तत्व है जिसमें फूल और पत्तियों से भरा एक कलश होता है। वैदिक साहित्य में यह जीवन का प्रतीक और वनस्पतियों का स्रोत है जो अब भी मान्य है। भारतीय कला में लगभग आरंभ से ही घटपल्लव विद्यमान था और सभी कालों में इसका प्रमुखता से उपयोग हुआ है। 5वीं शताब्दी से विशेषकर उत्तर भारत में घटपल्लव का उपयोग वास्तुशास्त्र में स्तंभ के आधार और शीर्ष के रूप में होने लगा था। 15वीं शताब्दी तक इस प्रकार का उपयोग जारी रहा। इसको देखिए तो बौद्ध, हिंदू और जैन धर्मों में भरे हुए घड़े का उपयोग देवता और सम्मानित अतिथि के अनुष्ठानिक चढ़ाने के लिए भी होता है। तो आप जैसा जानते हैं कि घड़े का उपयोग हिंदू धर्म में या जैन धर्म में, हर धर्म में लगभग घड़े का उपयोग हुआ है और वहाँ पे जो डिज़ाइनें बनाई जाती हैं उससे संबंधित ये हैं। तो पवित्र प्रतीक के रूप में धर्मस्थलों और भवनों की सज्जा में भी इसका प्रयोग किया गया है। घटपल्लव अलंकरण में पात्र को पानी, वनस्पति और अक्सर एक नारियल से भर दिया जाता है और इसके चारों ओर पवित्र धागा बांधा जाता है। समृद्धि और जीवन के स्रोत के प्रतीक के रूप में पूर्ण कलश को हिंदू मान्यता के संदर्भ में प्रसिद्ध और सौभाग्य की देवी श्री या लक्ष्मी का प्रतीक भी माना जाता है। यानी ये कह सकते हैं कि जैसे हिंदू धर्म में विवाह होते हैं तो बार बार क्या होता है, कलश का पूजा होता है। मिट्टी के घड़ा रहता है छोटा सा, उसमें डिज़ाइन बनाते हैं हम। जैसे गाय की गोबर को हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र मानते हैं, तो गाय की गोबर लेके उस पर डिज़ाइन बनाया जाता है, वो भी घट पल्लव है। ठीक है, तो घट पल्लव का बहुत बड़ा महत्व है और ये चित्रकला में भी इसका बहुत बड़ा महत्व है। एक आर्टिस्ट को इस घट पल्लव के बारे में जानना ज़रूरी होता है। तो ये रहा घट पल्लव से संबंधित जानकारी। दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।